विजयदशमी विजयादशमी यानी दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय त्योहार भी है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। ब्रज के मंदिरों में इस दिन विशेष दर्शन होते हैं। इस दिन नीलकंठ का दर्शन भी बहुत शुभ माना जाता है। दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था। रावण राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लंका ले गया था। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। इसलिए विजयदशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन लोग नया कार्य आरंभ करते हैं। नया कार्य जैसे कि अक्षर लेखन या कोई नया उद्योग या कि फिर खेत में बीज बोना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें जरूर सफलता मिलती है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है विजयदशमी। दशहरा पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। दशहरा कृषि का उत्सव है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वो भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए उनका पूजन करता है। दशहरे के समय वर्षा काल समाप्त हो जाता है, नदियों की बाढ़ थम जाती है। इस दिन शमी पूजा का भी विधान है। वैदिक यज्ञों के लिए शमी वृक्ष की 2 टहनियों से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। अग्नि शक्ति और साहस की द्योतक है। शमी की लकड़ी के कुंदे अग्नि उत्पत्ति में सहायक होते हैं। दशहरा त्योहार पूरे देश में काफी उत्साह और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जाता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों की ही तरह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजयदशमी यानी दशहरा आता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। यहाँ दुर्गा देवी को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। देश भर के नामी कलाकार दुर्गा की मूर्ति तैयार करते हैं। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। त्योहार के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास छोटे मोटे स्टॉल भी लगाए जाते हैं। षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन महापूजा की जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं, देवी को विदाई देती हैं। इसके साथ ही वे आपस में एक दूसरे के सिंदूर लगाती हैं। इस रीति को सिंदूर खेला कहते हैं। जगह जगह भव्य पंडाल लगते हैं। इस दौरान हर दिन का एक अलग ही महत्व होता है। दशहरे के दिन प्रतिमाओं की भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े वाहनों में रखकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। अब बात करते हैं ओडिशा और आसाम की। इन दोनों स्थानों पर पश्चिम बंगाल की तरह ही दुर्गा पूजा के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। संपूर्ण बंगाल में 5 दिनों के लिए ये त्योहार मनता है। ओडिशा और असम में इसे 4 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ देवी दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है और सुशोभित पंडालों में स्थापित की जाती है। षष्ठी के दिन दुर्गा जी का पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल दुर्गा पूजा होती है। दशमी के दिन
विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक प्रकार से सिंदूर की होली खेली जाती है। इसके पश्चात देवी की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में दशहरे की खासियत ये है कि यहाँ शक्ति की देवी माता दुर्गा के अलावा ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना भी की जाती है। इस राज्य में नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती की प्रतिमाओं और चित्रों की पूजा करते हैं। किसी भी नई शुरुआत के लिए महाराष्ट्र में ये दिन काफी शुभ माना जाता है। अब हम मैसूर की ओर चल रहे हैं। मैसूर में दशहरे का उत्सव मूर्ति पूजा और भजन गाकर मनाया जाता है। यहाँ ये त्योहार नदहब्बा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ये त्योहार 400 साल पुराने रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। मैसूर में दशहरे का आयोजन महिषासुर पर चामुंडेश्वरी देवी की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन 10 दिनों तक होता है। इस मौके पर मैसूर पैलेस यानी अंबा विलास महल को सजाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। साल 1880 से यहाँ एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जब दशहरे का जुलूस निकाला जाने लगा। मैसूर के दशहरे में राजसी रंग बड़े खास ढंग से नजर आता है। नवरात्रि के दौरान मैसूर राजघराने की राजकीय देवी चामुंडी की पूजा अर्चना में यहाँ का राजकीय इतिहास सजीव हो उठता है। नवरात्रि के 10वें दिन मैसूर के राजा जुलूस की शक्ल में देवी की आराधना के लिए पहाड़ी के ऊपर बने मंदिर में जाते हैं। इस जुलूस में हाथी, घोड़े, रथ और सजे हुए सेवकों की कतारें साथ साथ चलती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में महिलाएं दशहरे में बोम्मई गोलू सजाती हैं। कश्मीर में दशहरे की बात करें तो यहाँ नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले श्रद्धालु 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। बहुत ही पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये मंदिर एक झील के बीचों बीच बना है। इस झील के बारे में कई प्रचलित दंत कथाएं हैं, जहां लोग मिलकर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। अब कुल्लू के दशहरे के बारे में आपको बताते हैं। कुल्लू का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। ये उत्सव ठीक दशहरे के दिन शुरू होता है और अगले 7 दिनों तक मनाया जाता है। खास बात ये है कि सारी दुनिया में मनाई जाने वाली परंपरा रावण के पुतले का दहन कुल्लू के दशहरे में नहीं होता। कुल्लू में यह उत्सव भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले जुलूस को निकालकर मनाया जाता है। इस जुलूस में श्रद्धालु विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को भगवान रघुनाथ से मिलाने के लिए अपने सर पर रखकर ढालपुर ले जाते हैं। आखिरी दिन ये जुलूस व्यास नदी पर पहुंचता है और इसके तट पर लकड़ियों का एक ढेर लगाया जाता है, जिसे लंका का प्रतीक माना जाता है। इस ढेर को बाद में जला दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब पूरे देश में दशहरा समाप्त हो जाता है, तब यहाँ के दशहरे की शुरुआत होती है। यहाँ भी सप्ताह भर पहले ही इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी सुंदर वस्त्र पहनकर बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। सभी लोग जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं। दुनिया के सबसे पुराने रामलीला प्रदर्शन के लिए मशहूर है वाराणसी। अन्य राज्यों की तुलना में वाराणसी में दशहरे का आयोजन कुछ ज्यादा ही खास तरीके से होता है। प्रत्येक वर्ष में एक महीने तक यहाँ रामलीला का आयोजन किया जाता है। वाराणसी में दशहरे का उत्सव भव्यता से मनाया जाता है। रामलीला के मंचन के साथ साथ कुछ हिस्सों में नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में दुर्गा पूजा के रंग भी नजर आते हैं। मान्यता है कि बनारस से 15 किलोमीटर दूर रामनगर में सबसे प्रसिद्ध रामलीला मंचन होते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दशहरे का रंग कुछ इस तरह से निखरता है कि बस देखते ही रह जाते हैं।
इस अवसर पर यहाँ बड़ी बड़ी झांकियों से सजे हुए जुलूस निकलते हैं। इन झांकियों में रामायण से जुड़ी कहानियों और घटनाओं के मंचन प्रदर्शन होते हैं, साथ ही मेला भी लगता है जो रात भर चलता है। गुजरात में मिट्टी का सजा हुआ रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। दशहरे पर्व की सबसे बड़ी खासियत है यही गरबा नृत्य। गरबा करने के लिए महिला और पुरुष दोनों नर्तक दो छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में टकराते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति और पारंपरिक लोक संगीत का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन रात भर चलता है। देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दशहरा 9 दिनों तक मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ दशहरे को शिक्षा या कोई भी नया कार्य जैसे संगीत या नृत्य सीखने के लिए शुभ समय माना जाता है। इन सबसे अलग बस्तर में दुनिया का सबसे लंबे समय तक दशहरा मनाया जाता है। कुछ खास ही होता है बस्तर में दशहरे का रंग, जहां सबसे लंबे समय तक ये त्योहार मनाया जाता है। बस्तर में दशहरा राम की रावण पर विजय के पर्व के रूप में नहीं मनाया जाता, बल्कि यहां ये उत्सव मां दंतेश्वरी को समर्पित है। दंतेश्वरी बस्तर के निवासियों की आराध्य देवी है। दंतेश्वरी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। बस्तर में ये पर्व पूरे 75 दिनों तक चलता है। श्रावण मास की अमावस से शुरू होकर आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक ये उत्सव चलता है। उत्सव के प्रथम दिन को काछिन गादी कहते हैं। इस दिन देवी से समारोह शुरू करने की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों की शैया पर विराजमान होती हैं। बस्तर का दशहरा इसलिए भी अनोखा है क्योंकि पिछले 600 से भी अधिक सालों से दशहरे में चलने वाले रथ के आकार में आज तक कोई फर्क नहीं आया है। ये लकड़ी का रथ 25 फीट ऊंचा, 18 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा ही बनाया जाता है। ग्रामीण अपने हाथों से ये रथ बनाते हैं। आधुनिक औजारों और मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दशहरा या विजयदशमी भारत से बाहर अन्य देशों में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, चीन और थाईलैंड के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी उत्साह के साथ दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम सबके नायक हैं। विजयादशमी नेपाल में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ ये वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार होता है। दशमी के स्वागत की तैयारी धूमधाम से होती है। नेपाल या गोरखा सेनाएं बड़े ही अद्भुत ढंग से दशहरा मनाती हैं। माँ काली और माँ दुर्गा की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। विजयादशमी वाले दिन राजदरबार में राजा प्रजा को अबीर, चावल और दही का टीका लगाते हैं। विजयादशमी नवरात्रि के अंतिम दिन के रूप में मॉरिशस में सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय हिंदू त्योहारों में से एक है। थाईलैंड में रामलीला को रामकेयन नाम से जाना जाता है। रामलीला यहाँ पर सिर्फ शारदीय नवरात्र तक ही सीमित नहीं है। कोई भी विशेष अवसर हो, कोई भी समय हो, यानी पूरे साल कभी भी कहीं भी, यहाँ तक कि विवाह, जन्मदिन या किसी अन्य आयोजन पर भी रामलीला होती रहती है। ये रामलीला विभिन्न दृश्यों में बटी न होकर एक नृत्य नाटिका की तरह होती है। थाईलैंड में रामकेयन की कहानी तो रामायण वाली ही रहती है, लेकिन वेशभूषा और पात्रों के नामों में कुछ बदलाव होता है। चमचमाते आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों के अलावा हर पात्र का मुकुट एक निर्धारित आकार का रहता है, जिसे देखते ही लोग पात्र को पहचान लेते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश जहां 90% मुस्लिम आबादी है, वहाँ रामायण को रामायण ककविन यानी रामायण काव्य कहा जाता है। यहाँ भी पूरे साल रामलीला का मंचन किया जाता है। किसी एक समय विशेष तक ही सीमित नहीं है रामलीला। रामायण के चरित्रों का इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षा देने के लिए भी करते हैं। इस बाबत इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो का एक कथन प्रसिद्ध है, इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। कम्बोडिया में भी रामलीला के अभिनय का ज्ञान राष्ट्रीय निधि माना जाता है। सामाजिक उत्सवों के दौरान इस लोकप्रिय महाकाव्य का मंचन किया जाता है। यहाँ बड़े से बड़े लोग भी
रामलीला के पात्रों की भूमिका करने को ललायित रहते हैं। नरेश नरोत्तम सिंघानुक की पुत्री राजकुमारी फुप्पा यानी पुष्पा माता सीता का अभिनय कर चुकी हैं। रत्नजड़ित आभूषण और रेशम के अति सुंदर वस्त्र पहनकर जब वो मंच पर आती थी तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रामायण के प्रति उनकी श्रद्धा ने ही उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि कलाकार माता सीता के रूप में फुफ्फा के ही चित्र बनाने लगे थे। कई देशों में रामलीला की कथा तो एक ही रहती है, लेकिन उनकी शैली भिन्न हो जाती है। दक्षिण एशियाई देशों में रामलीला में क्षेत्र के अनुसार कथा में पात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे मॉरिशस का नाम मारीच के कारण पड़ा तो वहाँ मारीच के प्रसंग को अधिक विस्तार से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार बाली द्वीप पर सुग्रीव और बाली का प्रसंग अहम रहता है। विजयदशमी के 10 सूत्र हैं। ये 10 इंद्रियों पर विजय का पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, बहिर्मुखता पर अंतर्मुखता की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय, तमोह गुण पर दैवी गुण की विजय, दुष्कर्मों पर सत्कर्मों की विजय, भोग पर योग की विजय, असुरत्व पर देवत्व की विजय और जीवत्व पर शिवत्व की विजय का पर्व है दशहरा। दशहरा 10 पापों को हरने वाला, 10 शक्तियों को विकसित करने वाला, 10 दिशाओं में मंगल करने वाला और 10 प्रकार की विजय देने वाला पर्व है। इसीलिए तो इसे विजयादशमी कहते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। नमस्कार।